तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब देख डिब्बे सोडिए, ये गलत है। पर मैं क्या कहता भाई, माना आगे यहाँ गैराज में तू मेरा बॉस है, लेकिन ऐसे तू मुझे डिब्बे क्या क्या नहीं बुला सकता। ये हक सिर्फ चंपक चाचा का। वो पप्पू मेरी गलत पूरी सुन ले। वो मैं कह रहा सी, देख अब डिब्बे में से ग्रीस निकाल। सॉरी सॉरी, कोई पहले काम के लिए तू ना कह रहा, मतलब ये काम तू नहीं करेगा? नहीं 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 नहीं, वो डिब्बे वाली बात के लिए जो मुझे गलत फहमी हो गई थी ना, उसके लिए मैंने सॉरी बोला। बाकी काम में तो मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। तो शुरू हो जा। देख ये, हाँ बता कहाँ लगाना है। तू बता कहाँ लगाएगा। अच्छा एक मिनट, बता बता, देखे तो तेरी जनरल नॉलेज कहाँ लगेगी। अरे ओ तेरी, अरे सोड़ी, ओ तेरी शक्ल तो बांदर जैसी हो गई है। अब क्या करूं? पप्पू टेंशन ना ले, ये ग्रीस तो गैरेज के कामों में लगती रहती है। ओए ग्रीस और ऑयल तो हम गैरेज वालों के लिए मेकअप है। अहले तू मुंह साफ कर, बोनट बंद कर दे। मुझे पता नहीं था कि तेरा हाथ है। भगवान, काम शुरू करने से पहले ही मुझसे गड़बड़ हो गई। भाई तुझे लगा तो नहीं? देखो इसका चेहरा तो देखो। हंस रहा, मतलब तू मजाक कर रहा था? मजाक नहीं, सबक दे रहा था तुझे। गैरेज के कामों में एहतियात बरतना पड़ता है। ये काम तेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। आ जा तुझे कोई आसान सा काम दिखाता हूँ। अच्छा चल चल चल, आजा पीछे आजा पीछे आजा। ये देख, ये जो सिलेंसर का पाइप है ना, अरे भाई अंदर डर लग रहा था भाई, घबराहट हो रही थी। पप्पू वो पहली बारी मैं भी जब ऐसे गया था ना, तो मेनू भी डर लग गया सी, लेकिन बाद में फिर आदत पड़ गई। अरे मेरे मुंह और गाड़ी के बीच में से 4 इंच का फर्क था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी छाती पर गाड़ी रख दी है। ठीक है ठीक है, एक काम कर पप्पू, तू ये रहने दे। तू एक काम कर, तू पाइप ले तो कड्डी दो। वो ठीक है। किता पप्पू तू, सॉरी 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 सॉरी, वो पानी बंद हो गया था, फिर मैं देख रहा था एकदम अचानक से पानी आ गया, तो उसमें गड़बड़ हो गई। सॉरी भाई, मैं कपड़े बदल लूं? पप्पू वो गैरेज के काम में कपड़े गीले और गंदे होते रहते हैं, तू कितनी बार कपड़े बदली करेगा। तू इनू छड़, तू एक काम कर, तू हैप्पी के साथ जाके ना टायर चेंज करना सीख जा। अच्छा ले, पूंछ ले अपने आप। सॉरी हाँ। अरे ठीक है ठीक है। लीजिए पोपा जी। पोपू जी नहीं, पोपट लाल, सिर्फ सोडी मुझे प्यार से पोपो बुलाता है। ठीक है ठीक है, आपको ना इस पे मारना है। हाँ, अरे ये तो आता है मुझे, ये देखो। अरे नहीं नहीं, जोर से मारना है। अच्छा जोर से। हाँ देखो फिर जोर से अभी। पप्पू तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। उपा जी हमारी गारंटी नहीं है, या तो ये अपना मुंह तोड़वाएंगे या तो हमारा तोड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे अपना मुंह नहीं तोड़ना है, मैं भी मेरी शादी बाकी है, और ये ऑयल ग्रीस अगर मेरे मुंह पे लग गया, दाग नहीं निकला, मुझे कुछ एलर्जी हो गई, तो मेरी शादी कैसे होगी? पप्पू ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हो गया तो मैं शादी के लिए रिजेक्ट हो जाऊं, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है। तो क्या सोच रहा है पप्पू? वो तू काम सीख जाएगा ना, तो सोडी गैरेज में तुझे पार्टनर बना लूंगा। तेरा पार्टनर बनने में लाइफ पार्टनर से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं 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 सोडी, मैं दूसरा कोई ऑफिस का काम ढूंढ लेता हूँ, अगर मुझे और कोई काम नहीं मिलेगा ना, तो मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का पक्का। और भाइयों आप सबको भी सॉरी, मेरी वजह से आप सबको परेशानी हुई।
ओ नहीं नहीं पप्पू, कोई गल नहीं, सब अपने ही बंदे ने। तू साथ में काम करता ना तो रोज सुबह गोकुल धाम से हम साथ में गिरा जाते और साथ में लंच करते और साथ में गोकुल धाम वापस जाते, वो बड़ा मजा आता। अरे भाई हम गोकुल धाम में मिलेंगे ना सोडा शॉप पर, तब मजा करेंगे। चल मैं चलता हूँ। कितने? मेहता साहब के ऑफिस यहाँ पास में ही है ना, तो देखता हूँ अगर उनके ऑफिस में मेरे लायक कोई काम हो तो। तूने सही गल कही पप्पू, तो तुझे ऑफिस वाला ही काम ढूंढना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सोड़ी। ओए चलो मुंडियो काम तेल लगो, चलो भाई चलो हैप्पी। ओए पप्पू तू एक काम कर, पीछे मस्त बाथरूम है, नहा धो के चेंज कर ले और फिर चेंज करके मेहता साहब के ऑफिस जा। हाँ ऑफिस का यही मजा है, वर्क फ्रॉम होम में ये आनंद का। हाँ सर अंजलि मैडम आई है। अरे यार तू कहाँ रखूँ मैं? सॉरी सर। रोहन शर्माती मजाक करता है। सच में आपसे कोई मिलने आया है। कौन? पता नहीं, बिना बारिश के छाता लिए हुए है। उन्होंने अपना नाम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल बताया है। भेजो 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 भेजो। मेहता साहब क्या बात है, ऑफिस में आया, क्या बात है? अरे ये क्या है, पार्टी चल रही है? अरे लो भाई लो, तुम लो, मजा आएगा। अंजलि भाभी को पता है? रुको कैसे मजाक कर रहे हो भाई, ऐसे मजाक मत किया करो। है बैठो बैठो बैठो। वैसे आपके मजे मस्त, टेस्टी नाश्ता कर रहे हैं, आपकी शादी हो गई है, आपके पास अच्छी भली नौकरी है, अपनी पर्सनल कैबिन है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं। काश मेरे भी ऐसे ठाट हो। भाई पोपटलाल नजर मत लगाओ, मैं जानता हूँ मैं कैसे काम कर रहा हूँ भाई, और किस तरह से काम कर रहा हूँ। और चलो ऑफिस का काम तो ठीक है, बॉस के पर्सनल काम करने पड़ते हैं, क्या करूँ, मना नहीं कर सकता। और काम भी कैसे कैसे, मेहता मेरी साली का एडमिशन कराओ, मेहता मेरी सासू का टूर बुक कराओ, मेहता मेरे घर का ताला खराब हो गया चाबी वाला लेके आओ, और तो और मेहता मेरे भतीजे का डॉगी खो गया उसकी पुलिस रिपोर्ट कराओ, मेहता मेरी वाइफ का ब्यूटी पार्लर वाली से झगड़ा हो गया, नई ब्यूटी पार्लर वाली ढूंढो। क्या बताऊं तुम्हें पोपटलाल, ऐसे ऐसे काम भी करने पड़ते। हाँ तो हो सकता है बॉस आपको अपना समझ कर कहते होंगे। क्या समझ के कहते हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं क्या करूं भाई, बॉस है, नौकरी पेशा आदमी हूं, मना भी नहीं कर सकता, करना पड़ता है। सर छोड़ो भाई, हर नौकरी वाले की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तुम बताओ हाँ कैसे आना हुआ, जो ऑफिस कैसे आना हुआ? वो क्या हुआ ना, मैं सोड़ी के घर गया था बायोडाटा देने, तो सोड़ी ने मुझे अपने गैराज में ही काम पर रख लिया, और सोड़ी गैराज में गए, मैंने थोड़ा बहुत काम किया अभी, तो फिर समझ में आ गया कि अपने बस का नहीं, मुझे कोई ऑफिस का काम ही ढूंढना पड़ेगा। आपके ऑफिस पास में है तो मैंने सोचा आपसे मिलता चलूं और पूछ लूं मेरी नौकरी का कुछ हुआ। देखो पोपटलाल, बीज डालते ही तो पौधा नहीं निकल आता ना, उसके लिए वक्त लगता है। तुम्हारा बायोडाटा तो अभी बना है, आज ही तो बना है, लेकिन मैंने दो चार लोगों को फॉरवर्ड किया है, दो चार लोगों से बात भी की है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। थैंक यू मेहता साहब। मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, आपकी इतनी बड़ी ऑफिस है, ऐसा काम है, तो मुझे आप अपने ऑफिस में ही काम पर लगवा दीजिए ना। आप अपने बॉस से बात कीजिए, मेरा बायोडाटा दिखाइए, और अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं अभी से ज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं देखो पोपटलाल, ऐसे जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है, मैं मौका देखकर बॉस से बात कर लूंगा। अरे इसमें मौका क्या देखना मेहता साहब, आप इतने बरसों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, बॉस के साथ आपके घर जैसे रिलेशन है भाई, वो आपको अपना मानते हैं, आपसे इतना पर्सनल काम करवा रहे हैं, तो वो आपका ही पर्सनल काम नहीं कर सकते? नहीं बोल सकता, मुझे अपना मानते हैं या नहीं मानते मैं नहीं जानता, लेकिन पर्सनल काम मुझे इसलिए करने पड़ते हैं कि वो मेरे बॉस है, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ भाई, मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं उन्हें ऐसे नहीं कह सकता। मैं देखता हूँ उनका मूड देख के बात करता हूँ। अरे जीवन में मूड का मुहूर्त कभी नहीं देखना चाहिए। अरे मेरी शादी का सवाल है, फिर नौकरी होगी तब भी मेरी शादी होगी। आप अभी के अभी बॉस से बात कीजिए, वरना मैं आपके बॉस से बात करता हूँ। शांति रखो ना भाई, मैं मौका देके कर लूंगा, बोला ना तुम्हें। अरे भाई साहब आपके अंदर मैनर्स वैनर्स है कि नहीं, यहाँ पर इतनी जरूरी बात चल रही है आप ऐसे ही अंदर चले आए, आपको नॉक करके पूछना चाहिए। मैं आई कम इन। अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो, बॉस है मेरे भाई। सॉरी 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 सर, मुझे पता नहीं था सर, माई सेल्फ इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, इनका पड़ोसी हूँ। सर ये मेरा पड़ोसी है पोपटलाल, और वो हमेशा ऐसे अति उत्साह में लोगों से मिलता है, इसलिए सॉरी वेरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है भाई, ऐसे ही मिलना चाहिए। देखो अगर हम लोग हमेशा एटिकेट और मैनर में रहेंगे तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो रोबो बन जाएगी। कोई बात नहीं, इट्स ओके आई लाइक इट, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू।
दरअसल आपसे ही मिलना था मुझे, एक को जरूरी बात करनी है। पोपट जी, पहले मैं मेहता से बहुत जरूरी काम है, पहले वो कर लूं, उसके बाद फिर आपसे बात करूंगा। श्योर श्योर सर, आप आराम से बात कर लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूं। नहीं नहीं, आप ये रहिए, यू कैन स्टे हियर, आई मीन यू कैन स्टैंड हियर, लेकिन हमारी बातों को सुनना मत। नहीं नहीं सर। अरे देखो मेहता, बात ये है जी, तुमको याद है ना वो मेरा भांजा पप्पू, मेरी बड़ी बड़ी बहन का बेटा? हाँ, अरे उसकी सगाई का सारा अरेंजमेंट मैंने ही तो किया था सर। हाँ, सगाई का अरेंजमेंट तुमने कराया था, लेकिन अब उसकी शादी का अरेंजमेंट भी तुमको ही करवाना है। अरे वाह, पप्पू की शादी हो रही है। अरे सर बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। कमाल की बात है, अब सगाई हुई है तो शादी भी तो होगी ना। हाँ नहीं, मेरा मतलब कंग्रेचुलेशन। तो वो तुमको करवाना है? हाँ बिल्कुल सर, लेकिन उसके पहले तुमको एक काम और करना पड़ेगा। क्या सर? देखो ऐसा है कि कोरोना के चलते पप्पू की नौकरी चली गई है। अरे अरे, बहुत परेशान है वो। अब नौकरी नहीं है, इसलिए कहीं लड़की वाले सगाई तोड़ ना दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो। अरे रे बेचारा पप्पू। आप हमारी बातें सुन रहे हैं? नहीं नहीं। What is so funny? I don't know sir, I don't know. आजकल जिनका भी नाम पी से शुरू हो रहा है, उन सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम। तो तुम तो जानते हो कि अपनी कंपनी की हालत भी बहुत टाइट है, कितने लोगों को पहले ही निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं उसको अपनी कंपनी में भी कहीं जॉब नहीं दे सकता। Yes sir. बोलो, बॉस खुद अपने भांजे को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे कहाँ से देंगे? तो तुम एक काम करो, टॉप प्रायोरिटी पे उसका बायोडाटा मंगाओ और उसके लिए फौरन नौकरी ढूंढना शुरू करो। Yes. लो, दीदी का ही फोन आ गया। हेलो दीदी, ऐसा है कि मेरा नमस्ते कहिएगा सर। दीदी मैं ये कह रहा था कि ये वो, मेरा नमस्ते। पहले मैं तो नमस्ते कर लूं, मेरा नमस्ते कहना, नमस्ते कहना, रुको ना। तो दीदी मैं आपसे ये कह रहा था कि देखो वो लड़का था ना, आपने नमस्ते। दीदी नमस्ते। दीदी आपको याद है वो मेहता मेरी कंपनी में काम करता है? अरे भाई, जिसने पप्पू की सगाई में सारा अरेंजमेंट किया था। एक मिनट, दीदी कह रही है कि सगाई में अरेंजमेंट ठीक नहीं था, दही वड़े में नमक बहुत कम था। नहीं नहीं, मैं उसको बोल दिया है, वो शादी में अच्छा करेगा अरेंजमेंट। अरे बोल दिया मैंने। दीदी आप चिंता मत करो, वो जल्दी से जल्दी पप्पू की नौकरी लगवा देगा। हाँ ठीक, देखो मेहता तुम जल्दी से कुछ करो पप्पू की नौकरी का, वरना ये दीदी हर रोज फोन कर करके मेरा दिमाग खाती रही। मैं कुछ करता हूँ, फटाफट करता हूँ। गुड गुड गुड। हाँ जी, तो आप कुछ बात करना चाहते थे? नहीं बस यही कहना था कि आप बहुत अच्छे हैं, मेहता साहब अक्सर आपकी तारीफ करते हैं, तो आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मेहता, पप्पू की नौकरी का अरेंजमेंट फौरन हो जाना चाहिए। हाँ, वरना वरना कैसे? वरना तुम्हारी बीवी को बता दूंगा। नहीं 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 सर, हो जाएगा। कचौरी, पात्रा, खांडवी, हो जाएगा सर। इसमें भी नमक कम, इसलिए पप्पू की सगाई में नमक कम था। देखा, बॉस के भांजे जिसकी सगाई का अरेंजमेंट मैंने किया, तो उसकी शादी का अरेंजमेंट भी करना, और वहां तक तो ठीक है, नौकरी भी ढूंढनी है। तो अब मुझे बॉस के भांजे पप्पू और पोपू दोनों के लिए नौकरी ढूंढनी है। नहीं 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 मेहता साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप पहले पप्पू के लिए नौकरी ढूंढिए। मेरी कहा अभी तक शादी तय हुई, उस बेचारी की सगाई हो गई, नौकरी की वजह से उसकी शादी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। जहां तक मेरी नौकरी का सवाल है, मेरा वो मिशन जारी रहेगा। चलिए मैं चलता हूँ। ओके okay. हाँ रवजी भाई, मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या यूं समझिए ना कि मेरा बड़ा भाई, नहीं छोटा भाई जैसा ही है। वो क्या है कि ये कोरोना काल में बेचारे की नौकरी छूट गई है। तो आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, तो मैं सोच रहा था आपके उधर अगर उसको नौकरी मिल जाती तो। ओ राधा, नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ, फिर भी आप देखना जरा, आपका इतना बड़ा सर्कल है, आपका किसी दोस्त के यहाँ भी अगर कोई नौकरी की गुंजाइश हो तो जरा देखना। नहीं वैसे क्या है, ये पत्रकार था तो पढ़ा लिखा है, लेकिन बोल रहा है कि वो कुछ भी काम करने को तैयार है। हाँ तो जरा देखना ना। ओके ओके, थैंक यू। क्या कहा सेठ जी, ना बोला? बोल रहे कि उन्होंने खुद अपने स्टाफ में से 3-4 लोगों को कम कर दिया है,
तो अभी थैंक यू सेठ जी। हैं? नहीं, वो इस कोरोना काल में बेचारे कितने लोगों की नौकरी चली गई। मेरे खुद के कितने ऐसे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी गवा दी, लेकिन आपने मुझे, नट्टू काका और मगन को इतने महीनों तक पूरा पगार दिया और हमें नौकरी से भी नहीं निकाला। थैंक यू सेठ जी, मस्त संभाला आपने हम तीनों को, और पोपट भाई को भी संभालने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, नहीं, मैं कौन होता हूँ संभालने वाला। संभालने वाला ऊपर वाला है, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ दोस्त। एक बात कहूँ सेठ जी, आप बिल्कुल मेरे कांजी काका जैसे हो। ए भाई हो, मैं कैसे तेरे कांजी काका जैसे हुआ? तेरे कांजी काका चार चार शादी करके बैठे हैं, मेरी तो एक ही शादी हुई है और मैं एक शादी में ही खुश हूँ भाई। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसे नहीं, मेरे कांजी काका बिल्कुल आप ही की तरह मुसीबत में फंसे दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उन्होंने ये जो चार चार शादी की, वो भी क्या मुसीबत में फंसी अबला नारियों को मदद करने के लिए की? नहीं नहीं नहीं, क्या है, कोई भी कांजी काका के यहाँ पैसे मांगने आता था तो कांजी काका बिचारे उन्हें पूछे बगैर, कुछ भी सोचे समझे बगैर पैसों की मदद कर देते थे। उनकी इसी आदत की वजह से उनकी पत्नियाँ उनको छोड़ छोड़ कर जाती रही। सेठ जी, आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? पूछना भैला। नहीं, रहने दीजिए। अरे क्या रहने दीजिए, मेरे दिमाग में बात डालने के बाद अभी बोल रहे, रहने दीजिए। जाने दीजिए ना, चलिए कुछ काम करते हैं। अरे भाई, दिया सली जलाई है तो फटाका फोड़ना है भाई, दिया सली क्यों बुझा रहा है? फोड़ फोड़, अब बोल। आप बुरा मान जाएंगे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बुरा नहीं मानूंगा, चल बोल बोल। नहीं मतलब मैं ये कह रहा था कि कांजी काका का स्वभाव ऐसा था कि वो सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। आपका भी स्वभाव सेम टू सेम ऐसा ही है। कांजी काका के इसी स्वभाव की वजह से उनकी पत्नियां उनको छोड़ के चली गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऐसे स्वभाव की वजह से कहीं सेठानी जी भी? ए भाई, ए भागा, क्या बोल रहा है, दया मुझे छोड़ के नहीं गई है, और मुझसे ज्यादा जरूरतमंदों की मदद करने की आदत तो उसे है। वो अगर अभी यहाँ होती ना, तब तक उसने पोपटलाल को काम पे लगा भी दिया होता। नहीं बराबर है, लेकिन क्या इतने टाइम से सेठानी जी आए नहीं? अरे आई नहीं है तो आ जाएगी भाई, वो हमेशा के लिए थोड़ी गई है। मेरा और दया का जन्म जन्म का नाता है, मुझे छोड़ के वो कभी नहीं जा सकती। जी सेठ जी, चला भी खड़ा क्या, कुछ काम वाम करना है की नहीं? करना है ना जेठाला, पर कोई काम मिले तो। पोपटलाल तुम आओ, ए बागा, चल चल, दो रजवाड़ी कड़क मसाला चाय बोल जा। क्यों, आप नहीं पियेंगे? तीन बोल बस। नहीं नहीं जेठालाल, चाय रहने दो। अच्छा तो ठंडा, ठीक है, तीन फालूदा लेके आ जा। नहीं मुझे फालूदा नहीं पीना है। अरे तो अपने लिए चाय और हमारे लिए फालूदा बोल जी। अरे जेठालाल, गरम ठंडा कुछ नहीं चाहिए भाई। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लेना पड़ेगा पोपटलाल, कितने महीनों बाद तुम आए हो। सेठ जी, सिर्फ पोपट भाई नहीं, हम भी कितने महीनों के बाद दुकान में आए हैं। हाँ 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 बिल्कुल, कुछ तो लेना पड़ेगा पोपटलाल, कुछ तो लो। ठीक है चलो। तो बोलिए क्या लाऊं, चाय या फालूदा? नौकरी वो तो सेठ जी दे सकते हैं। हाँ मिल जाएगी भाई, नौकरी मिल जाएगी, कोशिश जारी है। हाँ अभी थोड़ी देर पहले सेठ जी ने अपने खास दोस्त को फोन किया था। अरे थैंक यू जेठालाल, क्या बोला? ना बोला। नहीं मतलब उन्होंने ये बोला कि कोरोना काल की असर उनको भी पड़ी है, तो उन्होंने भी अपने स्टाफ में से तीन चार लोगों को कम कर दिया है। तो तुम चिंता मत करो, अभी तो मैंने सिर्फ एक दोस्त को फोन किया है, ऐसे तो मेरे कई दोस्त हैं, सबको फोन करूंगा ना तो कहीं ना कहीं तो नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा पोपटलाल। थैंक यू जेठालाल। और पोपटलाल, सुबह तो तुम घर पे आए थे ना ये नौकरी ढूंढने की बात करने के लिए, फिर यहाँ धक्का क्यों खाया? अरे मैं घर से स्पेशली तुम्हारी दुकान के लिए नहीं निकला हूँ, दो और जगह जाकर आया हूँ। अच्छा कहाँ? वो सोड़ी ने मुझे अपने गैराज में काम पर रख लिया था, तो हम दोनों वहाँ गए, मैंने थोड़ा काम किया अभी, लेकिन वो काम जमा नहीं। फिर मेहता साहब के ऑफिस गया और वहाँ से निकला
तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं और पूछ लूं कि नौकरी का कुछ हुआ है। दोस्तों घर घर जाके शादी के निमंत्रण पत्र बांटने का सपना देखने वाला पोपटलाल अब सभी के घर जाके नौकरी के लिए बायोडाटा बांट रहा है। तूफान एक्सप्रेस में कभी तूफानी पत्रकार रहे पोपटलाल इस वक्त भूतपूर्व हो चुके हैं, यानी कि उनकी नौकरी जा चुकी है। सभी की दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल की दुनिया खुद हिल गई है और वो भाग्य के हाथों एक चाबी वाला खिलौना भर गए। वो उतना ही चलेंगे जितना भाग्य चाबी भरेगा। इस वक्त पोपटलाल बड़े परेशान है और छोकरी के लिए कोई भी काम, पत्रकारिता के अलावा कोई भी काम करने को तैयार है। तो जेठालाल के यहाँ गए हैं, एक तरह से वो सभी के घर जाएंगे। और आप जानते हैं गोकुलधाम निवासी यूं तो एक है लेकिन सभी के काम में भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न लोग पोपटलाल के लिए भिन्न भिन्न नौकरियां ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, प्रयास करेंगे। और अब अगर ऐसा कोई नया काम मिला तो उसमें एडजस्ट करना ऐसा ही होगा जैसे किसी फुटबॉलर को ये कह दिया जाए कि वो कबड्डी खेले। अब फुटबॉलर अगर कबड्डी खेलेगा तो उठापटक होगी, खींचतान होगी। तो आप यहाँ सोचिए कि यहाँ भी खींचतान होगी, उठापटक होगी उस खेल में जिस खेल का नाम है हंसी का खेल। और उस हंसी के खेल में आप खेलेंगे हमारे साथ और देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है आप लोगों से, आप भी पोपटलाल के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि छोकरी भी मिल जाए। और देखते रहिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.